नमस्कार और आदाब दोस्तों। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीढ़ी साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पीड़ित आप भी हैं, पीड़ित हम भी हैं, पीड़ित ही पीड़ित का गम समझता है दोस्तों। आज हम जो आपको अपनी बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसी जेन्युइन बात है दोस्तों, क्योंकि आज हम स्पष्ट तौर से आपको ये बता देना चाहते हैं कि बड़े दुख की बात है कि 49,000 करोड़ रुपया जो पल्स निवेशकों का मिलना था, जिसमें हमारा भी पैसा है और हमें भी मिलना था, तो दोस्तों इस पैसे की उम्मीद अब हमें 99% नहीं रही, 1% की उम्मीद अगर है तो दोस्तों सिर्फ वो पल्स के ऑफिस से मिलने से तो हो सकती है, लेकिन ऐसा होना असंभव है, क्योंकि कभी गंगा उल्टी बही नहीं। और जब एक बार किसी का आशियाना उजड़ जाता है तो दोस्तों वो बसता नहीं है, वो तिनके तिनके होकर बिखर जाता है। पल्स निवेशकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी जो की गई है वो सरकार के द्वारा की गई है, ना कि कंपनी के द्वारा की गई है। तो दोस्तों आज हम सेवी विभाग की वेबसाइट पर 2,500 और 5,000 की प्रक्रिया का जो झुंझुना इस वक्त निवेशकों को दिया जा रहा है, उस झुंझुने में दोस्तों कहीं से कहीं तक पैसा मिलने का कोई निवेशक का चांस नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। इतना समेट कर छोटा कर दिया गया है 49,000 करोड़ रुपए की लूट का अंजाम देकर, कि निवेशकों की संख्या को दोस्तों इतना घटा दिया गया है, जो 5,85,00,000 निवेशकों में से देनदारी में 250 रुपए की देनदारी में कुल 1,30,000 निवेशकों की देनदारी कर कर इतिश्री हो गए। 5,000 की प्रोसीजर की देनदारी में निवेशकों को अभी तक का ब्यौरा जो इन्होंने दिया है, 2,77,544 निवेशकों को देकर इतिश्री कर दिया गया है दोस्तों। पर अगला प्रोसीजर अभी तक कोई चालू नहीं किया है, केवल अभी मात्र आश्वासन दिया गया है कि आगे की प्रोसीजर की प्रक्रिया का इंतजार करें। वो सभी निवेशक जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा हैं या जो निवेशक मर गए हैं, उनके नॉमिनेशन को इंतजार करना है। तो दोस्तों अभी सिचुएशन ये है कि इंतजार क्या करना है, जब पैसा किसी को मिलना ही नहीं तो इंतजार कहाँ का करना है दोस्तों। ये पैसा निवेशकों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं से कहीं तक प्रोसीजर चालू करने का सिस्टम ऐसा बनाया गया है, जो एक डिजाइन किया गया है लूट का, और उस लूट के डिजाइन सिस्टम के आधार पर दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि पैसा देने की प्रोसीजर भी चल रहा है, पैसा दिया जा रहा है, लेकिन ये निवेशक ही जानता है उसका पैसा उस तक नहीं पहुंच रहा है। तो गैर निवेशक को वो क्या बताएगा कि हमारा पैसा नहीं मिला, तो दोस्तों एक निवेशक ही बताएगा। तो सारे 49,000 करोड़ रुपए की लूट के 5,85,00,000 निवेशक कहाँ तक लोगों को समझाएंगे कि हमारा पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों लोगों को ऐसा लगेगा प्रक्रिया का ढंग ऐसा बना दिया गया है कि सभी को पैसा मिल रहा है, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है किसी को अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी हमारे भी जितने बॉन्ड थे, सभी निवेशकों के बॉन्ड जो टूटे फूटे खाते थे 2,500 5,000 की प्रक्रिया के, तो उनमें कहीं से कहीं तक अभी किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं आई। तो दोस्तों आज हमें बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि निवेशकों को हम जो न्यूज़ देते हैं वो न्यूज़ केवल दोस्तों धोखा देने की होती है, जो इनकी साइडों पर आती हैं उन पर कभी 6 महीने में, साल भर में कोई एक नोटिफिकेशन आ गई, लेकिन अदर बीच में जितने भी न्यूज़ें आती रहती हैं वो सब बकवास और बेढंगी, जिनका कोई प्रोसीजर से लेना देना नहीं होता, चाहे उसमें हमारी क्यों ना न्यूज हो। तो दोस्तों आज ये स्पष्ट हो चुका है कि निवेशकों का पैसा ये डूब ही चुका है दोस्तों। आज हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि
क्योंकि हम विद प्रूफ इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि हमारे 7-8 खाते जो थे 2,500 के, उनमें अभी तक कोई पैसा नहीं आया, और 5,000 के प्रोसीजर में भी अभी तक फूटी कौड़ी हमारे 20-25 खातों में से नहीं आई। तो हमें ये यकीन हो गया कि गरीब निवेशकों का पैसा अब मारा गया, और इसके मिलने की उम्मीद बहुत दोस्तों 99% है। ऑफिस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इसके बारे में अभी दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं लगता कि कभी पल्स के ऑफिस खुल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको इसीलिए दी जा रही है कि आपको अंधेरे में न रखा जाए, स्पष्ट तौर से ये बता दिया जाए कि आपका पैसा डूब चुका है। और ये न्यूज़ अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सच का सच और झूठ का झूठ अभी हमारे सामने घूम रहा है, और इसके आधार पर हमने ये न्यूज़ दी है दोस्तों। ये बड़ी न्यूज़ आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय